जिस व्यू का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का बेहतरीन नज़ारा है भाई। और सामने के साइड में देखेंगे भाई तो इस तरीके का पूरा माहौल है भाई। ऊपर से झरना गिर रहा है, नीचे के साइड में मेरी वाइफ देखो यहाँ से आ रही है। और यहाँ पर मतलब यार आप लोग आओ ना तो अकेले आओ, फैमिली वैमिली के साथ मत आओ भाई साहब। इस तरीके का रास्ता है, देखो कितना ज़्यादा मतलब अच्छा। और नेचर से यार आप लोग जुड़े रहोगे तो इस तरीके का रास्ता देखने मिलेगा। बार बार यार मेरा शूज निकल जा रहा है। कभी गए हो नहाने वहाने गए हो इधर? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। संडे को छुट्टी रहती है तो हर संडे जाते हो? कितने महीने से हो इधर? कैसा लगा भाई? वाटर पार्क और भाई एक नंबर पार्क। भाई चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को जाना कैसे। और ऐसे देखो कितना गजब का नजारा है यार यहाँ पर। नेक्स्ट लेवल वाली वाइब आ रही है भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं हूँ खार घर के इन पहाड़ों के बीच में भाई। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस वाटरफॉल है, जैसा कि इसके पहले वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा था। मैं गया था माथेरान, वहाँ का पूरा आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री दिखाया भाई, किस तरीके से वहाँ पर लोग रहते हैं पूरा व्लॉग बना के दिखाया। लेकिन दोस्तों वो थोड़ा सा मुंबई से दूर है, और अगर आप लोगों को मुंबई से नज़दीक में वाटरफॉल का इन्जॉय करना है, मज़ा लेना है भाई, तो यहाँ पर आ जाओ। बहुत ज़बरदस्त जगह है भाई। और इस तरीके से यहाँ पर व्यू दिखता है भाई दूर से। अभी मैं बहुत ज़्यादा दूर पर हूँ यहाँ पर, और मौसम देखो एक नंबर हुआ है भाई, पूरा एक नंबर। चारों तरफ वाला नज़ारा भाई देखो आप लोग, फॉगी है माहौल पूरा। और ऐसे माहौल में भाई अगर आप लोग पहाड़ों पर पिकनिक करने आएंगे भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अभी मैं चलता हूँ भाई वाटरफॉल के पास में, आप लोगों को दिखाता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि भाई इस तरीके का जो नज़ारा होता है ना भाई, वहाँ पर चलेंगे। और बहुत ज़्यादा ट्रेकिंग है भाई, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की ट्रेकिंग है। और चलते हैं भाई वहाँ पर पहुँचते हैं। मैप में नहीं दिखाता है वहाँ तक कितना किलोमीटर है, लेकिन ऐसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ 2.5 किलोमीटर के आसपास में है। तो और इस तरीके से भाई यहाँ पर मिट्टी वगैरह रखा हुआ है, शायद रास्ता वास्ता बनने वाला है, क्योंकि यहाँ तक गाड़ी नहीं आ पाती है भाई। गाड़ी से आने के लिए ना भाई आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, वहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो दिख रहा है ना, वो है गुरुद्वारा, वहाँ पर गाड़ी पार्किंग करके आप लोगों को आना पड़ेगा। क्योंकि बारिश के टाइम पे ऐसा होता है ना, ये पूरा रास्ता ऐसा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर गाड़ी से नहीं आ सकते, वैसे नॉर्मल टाइम पर आ सकते हैं। तो भाई चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा वहाँ का किस तरीके का नज़ारा है, बहुत ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा भाई। वहाँ से मतलब ये रास्ता तो जो पूरा गया हुआ है ये ऐसे गया हुआ है, लेकिन भाई अभी कैसा है ना यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा इस पानी के अंदर से होके। तो भाई चलते हैं, अब यहाँ से ऐसे पार करेंगे पूरा रास्ता और फिर वहाँ पहुँचेंगे। और धीरे धीरे और जो कुछ भी रास्ते में दिखेगा भाई आप लोग को दिखाऊँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई। देखो कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पर, और रेनकोट पहन के क्या फायदा भाई। और अभी वैसे भी रेनकोट निकालने वाला हूँ वहाँ पर पहुँच के, थोड़ा नहाएंगे एंजॉय करेंगे भाई। और पानी का जो बहाव है वो थोड़ा सा ज़्यादा है भाई इस तरीके से। और जब यहाँ पर अगर कभी ज़्यादा बारिश रहेगी, ज़्यादा बहाव रहेगा भाई, तो यहाँ पर ना आना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल देख रहे हो आप लोग वाटरफॉल में कितने ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह हो रहे, तो इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वैसे देखो भाई साहब पार हो गया मैं इस तरीके से, पानी भर गया पूरा रेनकोट के अंदर, ये देखो भाई। चलो चलते हैं अभी आगे। चारों तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ी है, इधर पे भी पहाड़ी है, और भाई पहाड़ी उधर ही रहता है जहाँ पर झरना रहता है, मतलब झरना जहाँ रहता है वहीं पहाड़ी रहता है, दोनों एक ही चीज़ है भाई, पहाड़ पे ही झरना होता है। और क्यों, इस वजह से भाई पहाड़ों पे हमेशा बारिश होती रहती है, तो वो बारिश का पानी भाई इस तरीके से झरना बन के मतलब यहाँ पर नीचे गिरता है। और यहाँ पर कुछ भाई लोग अभी वहाँ से आए, वहाँ तक जाने लायक है भाई? हाँ भाई आराम से। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, पुलिस पुलिस तो नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं भाई, आराम से जाओ। हाँ हमेशा लोग यहाँ मतलब अभी बारिश के टाइम पे जैसे लोग आना चाहते हैं, हाँ, हाँ। तो उनके बारे में अभी वहाँ गए हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा। और मुंबई से नजदीक भी है? हाँ मुंबई से भी नजदीक है। और जैसे माथेरान वगैरह है तो वो दूर है ज्यादा? बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है ना, इंजॉय कर सकते हैं फुल। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ का जो रास्ता है ना थोड़ा सा हैवी ट्रेकिंग है, लेकिन भाई जब यहाँ पर आप लोग आएंगे ना मज़ा बहुत आने वाला है। रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर व्यू देखो आप लोग, हरे भरे मौसम चारों तरफ देखने मिलेंगे, इस तरीके के नज़ारे, हरियाली। अगर आप लोग भाई नेचर से प्यार करते हैं तो यहाँ पर आपका वेलकम है भाई, आओ और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। वैसे माथेरान गया था मैं, वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लेवल था, वही सोच के मैं यहाँ पर आया कि चलो वहाँ गया था भाई। नेचर लवर हूँ मैं, नेचर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से ऐसी जगहों पर मैं घूमते रहता हूँ। तो भाई यहाँ पर ट्रेकिंग ज़्यादा
ज्यादा है, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। अभी दो झरने आप लोगों को सामने सामने दिख रहे हैं और भाई वहां तक हम लोगों को चल के जाना है। और भाई टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, 5 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, चलेंगे भी फटाफट हम लोग पहुंचेंगे, थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा। बाकी व्यू आप लोग देखो, नेक्स्ट लेवल यहां से दिख रहा है भाई। इधर भी देखो पहाड़ी है। और ये वाला वाटरफॉल यहां पर खारघर में ज्यादा फेमस है। वैसे खारघर में बहुत सारे वाटरफॉल है, एक उधर के साइड में भी है नजदीक में, और एक ही दो तो यहाँ पर है। ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये दो है कि एक है वो नहीं पता है, वहां पर चलेंगे तो मालूम पड़ेगा भाई कि क्या है क्या नहीं, सारी चीजें चल के वहीं पर देखेंगे भाई। और भाई मुझे गर्मी लगने लगी है, देखो रीजन ये है कि यहाँ पर ये वाला ब्लैक कलर का रेनकोट पहन लिया हूँ मैं, और मैं सोचा था यार बहुत ज्यादा यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो। और यहाँ पर भी बहुत सारे भाई लोग अपने गए थे और वहां से रिटर्न आ रहे। कैसा लगा भाई? वाटर पार्क भाई एक नंबर भाई। MDS पार्क व्लॉग। तो भाई यहाँ पर ये लोग गए थे, इनको इतना मजा आया भाई कि देख रहे हो, इनकी खुशी देख रहे हो किस तरीके से भाई। तो वही हम लोग भी चलेंगे वहाँ पर और एंजॉय करेंगे। वैसे शांत माहौल लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आज संडे नहीं है भाई, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को क्राउड ज़्यादा नहीं रहता है भाई। लोग क्या होता है ना, कभी कभी जैसे वहाँ पर पुलिस वाले नहीं जाने देते हैं या कोई भी रीज़न होता है, तो उसके बाद में यहाँ पर ये छोटा सा इस तरीके से, तो यहाँ पर लोग इन्जॉय करते हैं भाई। और मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा था कि यहाँ पर पुलिस वाले कभी कभी नहीं जाने देते हैं, तो लोग मतलब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आके अपना इन्जॉय कर लेते हैं। जो बच्चे वगैरह फैमिली से जो रहते हैं भाई, वो लोग यहाँ पर आके इन्जॉय करते हैं। ये भी ठीक है भाई, कोई बुरा नहीं है। अगर यहाँ नहीं जाने मिल रहा है तो यहाँ का व्यू देख लो, उसके बाद में यहाँ पे इंजॉय कर लो। अब बहुत सारे लोग देखो वहाँ से आए और यहीं पर ये लोग अपना इंजॉय करेंगे और चले जाएंगे, और हम लोग जाएंगे भाई वहाँ पर, देखेंगे किस तरीके का माहौल रहता है, क्योंकि भाई इसके पहले यहाँ पर मैं कभी नहीं आया हूँ, मुझे देखना है भाई सच में। एक बार मालूम है क्या हुआ भाई, गर्मी के टाइम पर मैं आया था यहाँ पर देखने के लिए, मुझे लगा कि मतलब झरना तो हमेशा बहता होगा, लेकिन जब यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि भाई बारिश में वाटरफॉल रहता है इस तरीके से। अब पहाड़ों पे बारिश जब होते रहती है कंटिन्यू भाई, जैसे मैं माथेरान गया था तो वहाँ पर देखा किस तरीके से कंटिन्यू भाई पूरे दिन बारिश हो रही थी। तो वहाँ पर पहाड़ों पे बारिश होती है तो वो पूरा पानी बह के नीचे आता है, तो ऐसे अपने को झरना देखने मिलता है यहाँ पर भाई, नेक्स्ट लेवल वाला। और यहाँ पर भी भाई कुछ लोग गए थे और अभी आ रहे हैं वहाँ पर, है भाई वहाँ पर बहुत लोग, बहुत लोग हैं वहाँ पर, हाँ पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा तो भाई ये भाई बता रहे थे कि यहाँ पर अभी पहले जैसा नहीं रहा कुछ, मतलब अभी जितने लोगों से मैं बात किया हूँ, कोई लोग अच्छा कोई लोग बुरा, तो अभी खुद मैं वहाँ पर चलूँगा तब आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा है क्या है सारी चीज़ें। अभी मैं यहाँ पर एक गेट के पास में पहुँच गया हूँ, और एक गेट जहाँ पर मैं गाड़ी पार्किंग करके आया हूँ वहाँ पर है, और ये दूसरा गेट है भाई, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। अब यहाँ से मैं चलूँगा और सीधा सीधा ये पूरा रास्ता है भाई, और यहाँ पर कुछ वर्कर वगैरह काम वगैरह जो करते हैं वो लोग यहाँ पर इस तरीके से रहते हैं, अपना बनाते खाते हैं जीवन। और भाई ये देखो अभी पहाड़ी के एकदम पास में आ गया हूँ, और यहाँ पर देखो भाई इस तरीके से झरना है। क्या भाई यहीं रह रहे हो? काम कर रहे हो? हाँ यहीं काम कर रहे हो, मज़ा ले रहे हो फुल? हाँ अच्छा, कभी गए हो नहाने वहाने गए हो इधर? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। संडे को छुट्टी रहती है तो हर संडे जाते हो? कितने महीने से हो इधर? ये झरना कब से स्टार्ट हुआ, कितना टाइम हुआ? मालूम नहीं है। अच्छा जब से इधर आए हो तो ये ऐसे ही है, कंटिन्यू दिन रात ऐसे चलते रहता है, पब्लिक बहुत आती है ना? अच्छा यहाँ क्या काम करते हो? वो जो बन रहा है टावर में? अच्छा टावर में, ये टावर बन रहा है करंट का? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तो एंजॉय करो। तो भाई यहाँ पर इन लोग रह रहे हैं, और इधर ही जब मन करे भाई चले जाओ वाटरफॉल में नहाओ और आ जाओ। बहुत ज़्यादा एकदम करीब में आ गया हूँ, और यहाँ से जो ये वाटरफॉल का पूरा पानी बहते हुए आ रहा है ना भाई, यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा डैम बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे भाई। और फाइनली मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था ना भाई, बारिश, तो वो बारिश अभी फाइनली होने लगी है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पर अभी ये छोटा सा, ये मतलब पूरा यहाँ से जो पानी गिर रहा है बहते हुए आ रहा है यहाँ पर भर रहा है, फिर उसके बाद में ये डैम के हिसाब से बना हुआ है, तो यहाँ पर कभी वहाँ नहीं जाने देते हैं तो लोग यहाँ इन्जॉय करते हैं। आगे के साइड में 2-3 मतलब इस तरीके से पॉइंट है जहाँ पर लोग इन्जॉय करते हैं भाई, और हम मैं जा रहा हूँ वहाँ पर फाइनली। और देखो कितना मस्त वाला नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पर देखो इस तरीके से पानी बह रहा है जो कि मस्त लग रहा है, और वहाँ से पानी जो आ रहा है मेन वाटर यहाँ पर जा रहा है भाई, लोग फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि पत्थर बहुत नोकीले नोकीले भाई। और यहाँ पर जब कभी आप लोग आएंगे ना भाई, तो शूज़ पहन के आना, ये बात का ध्यान रखना, और बिना शूज़ के मत आना भाई, क्योंकि जो पत्थर है ना भाई पानी के अंदर वो नोकीले हैं, और मतलब यहाँ पर ये जाली वगैरह लगा हुआ है ताकि जो वहाँ से कचरा अगर कोई आए तो ये कचरा यहीं पर फंस जाए। जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारे कचरे इसमें फंसे हैं भाई, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है, और स्टेप बाई स्टेप बाई स्टेप बाई स्टेप बना हुआ है ताकि पानी का फ्लो जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए नीचे जाते जाते, ताकि किसी का नुकसान ना हो।
बाकी भाई साहब यहाँ पे नज़ारा देखो, नेक्स्ट लेवल वाला व्यू है भाई साहब। और यहाँ से जो वाटरफॉल का मस्त वाला व्यू दिख रहा है वो नेक्स्ट लेवल है भाई। और इस तरीके से झाड़ियों के बीच में से होके अपने को जाना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपन नेचर से जुड़ जाएंगे। देखो भाई इस तरीके से ट्रैकिंग है भाई अपनी, खतरनाक। देखो पत्थर इतने बड़े बड़े हैं, हो सकता है जब यहाँ पर बारिश होती हो तो यहाँ से पानी वगैरह बहता हो। इस तरीके से भाई पूरा है। और देखो ऐसे जंगलों के बीच में से जाना पड़ेगा, यहाँ से निकलते हैं भाई। और ऐसे देखो कितना गजब का नज़ारा है यार यहाँ पर, नेक्स्ट लेवल वाली वाइब आ रही है भाई। इस तरीके से देखो ऐसे जगह जगह पे झाड़ियाँ हैं, और झाड़ियों के बीच में से जो रास्ता निकलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। देखो इस तरीके से भाई नेक्स्ट लेवल, और थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। और फाइनली यार यहाँ पर बारिश हो रही है, तो मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जब बारिश होने लग जाती है ना तो समझ लो भाई पहुँच गए। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और रेनकोट मैं इसलिए ही पहन के आया था कि मुझे मतलब लग रहा था कि यहाँ पर बारिश होगी। तो भाई इस तरीके से पूरा व्यू है, और थोड़ा आगे चलता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ भाई। लोग अभी देखो कितना ज़्यादा मैं करीब में आ गया हूँ, यहाँ से व्यू देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और भाई इस तरीके से यहाँ से जा रहा हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रैकिंग है भाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच बच के आना पड़ेगा। मेरी वाइफ देखो यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर मतलब यार आप लोग आओ ना तो अकेले आओ, फैमिली वैमिली के साथ मत आओ, क्योंकि फैमिली के साथ आने लायक नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब ये डेंजरस है, पानी का प्रेशर ज़्यादा रहता है ना भाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच बच के आना पड़ेगा। अरे उसमें क्यों गई, पानी में क्यों गई? इधर 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 इधर। यहाँ पर देखो भाई कितना शानदार व्यू दिख रहा है भाई, ऊपर से ऐसा पानी गिरते हुए आ रहा है, यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई, इस तरीके से बहते हुए जा रहा है यहाँ पर, और ये पूरा नीचे के साइड में पानी जा रहा है भाई। और ये वाला नज़ारा अगर आप लोग को दिखना है भाई तो यहाँ पर आप लोग को आना पड़ेगा। ये वाला व्यू देखो भाई ज़बरदस्त है। और वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा और अभी चढ़ना पड़ेगा, कोशिश करता हूँ वहाँ तक पहुँच जाऊँ। साथ में वाइफ है भाई, तो वाइफ थोड़ा सा थक गई है, उसको चलने नहीं हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी चलते हैं और देखते हैं भाई। लोग एकदम मैं पास में आ गया हूँ, यहाँ पर देखो इस तरीके का व्यू है भाई, झरना जो गिर रहा है ना भाई ज़बरदस्त। देखो यहाँ पर पेड़ों के बीच में, हरियाली के बीच में इस तरीके से बहता हुआ झरना कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। और आप लोग सोचो जब यहाँ पर आप लोग आएंगे तब कितना ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा भाई। और यहाँ से ऐसे पानी बहते हुए नीचे की तरफ से यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है भाई, और पूरा नीचे से ऐसे खाई है, और फिर वहाँ जहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आप लोग को दिखाया वहाँ पर जाके ये मिल रहा है भाई। इस तरीके का ज़बरदस्त वाला व्यू है भाई। अभी चलेंगे वहाँ पर और देखते हैं वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा है भाई। भाई साहब इस तरीके का रास्ता है, देखो कितना ज़्यादा मतलब अच्छा, और नेचर से यार आप लोग जुड़े रहोगे तो इस तरीके का रास्ता देखने मिलेगा। बार बार यार मेरा शूज़ निकल जा रहा है, उसमें मिट्टी चले गया है यार, और ये फंस जा रहा है तो फिसल के निकल जा रहा है यार। तो चलते हैं भाई, और देखो फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ यार, थोड़ा सा ट्रैकिंग और है, ये कर लेता हूँ और फिर फटाक से पहुँचता हूँ। बाकी यार व्यू बहुत ज़बरदस्त है, देखो यहाँ से इस तरीके का व्यू है, और इस तरीके का व्यू है भाई। यहाँ से भी पानी वगैरह बहता है लेकिन अभी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो देखो भाई मैं थक चुका हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी थोड़ी सी आदत हो गई है पहाड़ वहाड़ पे चलने की, मैं तो पहले ज़्यादा थक जाता था। ये देखो भाई साहब, और ये वाला शूज़ पहन के नहीं आना चाहिए भाई, ये स्लिप बहुत करता है। ओ भाई साहब लग तो रहा है कि पहुँच गया हूँ। इधर देखो ये वाला व्यू, इधर देखो ये वाला व्यू, थकान होने लग गई है। हो ये देखो भाई साहब, सच में यार मेहनत करके यहाँ पर पहुँचा तो, लेकिन नेक्स्ट लेवल वाला व्यू देखने मिला मुझे यहाँ पर। जिस व्यू का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था फाइनली वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का बेहतरीन नज़ारा है भाई, और सामने के साइड में देखेंगे भाई तो इस तरीके का पूरा माहौल है भाई। ऊपर से झरना गिर रहा है, नीचे के साइड में बहुत सारे लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं भाई,
और यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़बरदस्त ट्रैकिंग करते आना पड़ा है भाई। और आप लोगों को मैं सच में बता रहा हूँ ना, पूरा पसीने से मैं अभी तक भीगा हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जो मुझे सुकून मिला भाई, नेक्स्ट लेवल। और देखो भाई साहब, सच में यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही। और यहाँ से अभी इसके नीचे मैं नहीं जाने वाला हूँ, लास्ट मेरा यहीं तक है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था कि झरने वगैरह में मैं नहीं नहाता हूँ। मैं यहाँ पर जहाँ पर भी जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए भाई। और देखो नेचर, नेचर ब्यूटी यार, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये चीज़। यहाँ पर देखो इस तरीके का नज़ारा है, यहाँ से भी वाटरफॉल गिर रहा है। और भाई बहुत सारे लोग ना वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने का कहीं से भी रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है भाई। ये वाला जो व्यू था, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहा रहे, एंजॉय कर रहे भाई। और सच में यार नेक्स्ट लेवल वाला व्यू है। यहाँ से देखो इस तरीके से झरना गिर रहा है भाई, बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा भाई, यहीं से रिटर्न जाऊँगा। और यहाँ पर देखो गहराई कितनी ज़्यादा है और पानी का फ्लो भी ज़्यादा है। और वो पानी के नीचे कोई नहीं नहा रहा है भाई, जितने भी लोग नहा रहे हैं थोड़ा सा हट के यहाँ पर पत्थर पे इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं भाई। तो अभी मैं गया था वहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं पीछे मेरे झरना जो बह रहा है वहाँ पर गया था। वहाँ से अभी आ गया हूँ मैं नीचे के साइड में। और भाई मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे भाई तो सच में बहुत ज़्यादा सावधान रहना, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है भाई वाटरफॉल वगैरह। अभी देखो वहाँ देखते देखते वाटर फ्लो बढ़ गया है और सब लोग मतलब नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब मस्ती मजाक करो यार, इतना ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मतलब रिस्क लेके सही नहीं है। बाकी मैं अभी यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ और इस तरीके की भाई पूरी ट्रैकिंग है। और मैं यहीं से आया था तो यहीं से निकल जाऊंगा भाई इस तरीके से। और रास्ता भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़तरनाक है, ये शार्पन पत्थर है, मतलब पूरा इनमें धार है, आप लोग देखेंगे ना यहाँ पर ख़तरनाक ये पत्थर है। और यहाँ से मैं आया था, देखो इतना ज़्यादा डेंजरस ट्रैकिंग है भाई, इसका मज़ा तो नेक्स्ट लेवल है भाई, लेकिन देखने में। और बाकी अगर आप लोग लवर ज़्यादा हैं नहाने वहाने का तो भाई यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं। और इन सब पत्थरों पर पैर रखने का टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए भाई, स्लिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अब चलते हैं यहाँ से नीचे के साइड में। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे फैमिली भी यहाँ पर आते हैं, और जो फैमिली लोग आते हैं ना भाई वो यहीं पर एंजॉय करते हैं, झरने के पास नहीं जाते, क्योंकि एंजॉय करने लायक भाई ये सबसे अच्छी और सुंदर जगह है भाई। क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे छोटे छोटे डैम बने हुए हैं ना, स्टेप स्टेप तो पानी भरा रहता है इसमें, मस्त में बच्चे लोग एंजॉय करते हैं। बारिश रिमझिम रिमझिम हो रही है, एक नंबर वाला माहौल हो गया, इस तरीके का पूरा रास्ता है। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ भाई, और नीचे वहाँ पर दुकान वगैरह लगती है, वो सारी चीज़ें मैं चल के आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ भाई। क्या भाई जा रहे हैं घूमने? यूट्यूबर हो क्या? अच्छा इधर ही रहते हैं। MD अशफाक ब्लॉग। मैं नीचे आया और यहाँ पर मुझे भाई एक अनोखा चीज़ ये दिखा कि यहाँ पर देखो इतने सारे झोपड़ी बने हुए हैं। रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर ये जो टावर बन रहा है ना, ये करंट का आप लोगों को दिख रहा है, इस पर बहुत सारे यहाँ पर वर्कर है, जो कि 5000 के आसपास में वर्कर ये पूरे पहाड़ी पे काम कर रहे हैं भाई। और ये जो केबल आप लोग को ऊपर दिख रहा है ना भाई, ये ऊपर से बहुत पतला दिख रहा है, लेकिन भाई पहली बार मैं यहाँ पर ये केबल अपने आँखों के सामने देख रहा हूँ भाई। इतना हैवी केबल है, ये उठ भी नहीं रहा है भाई, एल्युमिनियम का है। और भाई इसका काम ये लोग यहाँ पर ये वर्कर करते हैं, देखो इस तरीके से झोपड़ी बनाए भाई, खाना वाना ये लोग बना रहे थे। और यहाँ पर मैं जा रहा था तो इनसे पूछा भाई कि यहाँ पर आप लोग रह रहे हो तो कितना आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो भाई बोले कि यहाँ पर ये जो झरना है ना, ये लोग संडे संडे जाते हैं, इनको छुट्टी मिलती है, यहाँ पर संडे को जाते हैं लोग घूमते फिरते भाई, तो मस्त इनकी लाइफ है भाई, पहाड़ों के ऊपर भाई इस तरीके से लोग रह रहे हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं मस्त। तो भाई लोग फाइनली मैं वहाँ झरने के ऊपर से नीचे आ गया हूँ, और नीचे आने के बाद में भाई मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ से आप लोग को जाना कैसे। तो भाई अगर आप लोग यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा देख लो भाई। और इस गुरुद्वारा के पास में आप लोग पहुँच जाएंगे तो गाड़ी वगैरह यहाँ पर पार्किंग करके यहाँ से पैदल पैदल जा सकते हैं पूरा। तो भाई इस तरीके से मेरा ये पूरा व्लॉग था, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।